प्यारे बच्चों, हमने पिछले दो वीडियो में मिसलसात की तैदाद मालूम करना और मुरब्बों की तैदाद मालूम करना सीख चुके हैं। अब आइए इस वीडियो में हम मुस्ततील की तैदाद कैसे मालूम करेंगे ये सीखते हैं। यानी इस ज्योमेट्रिकल फिगर में हम रेक्टेंगल कितने हैं इसकी तैदाद को मालूम करेंगे। पहले यहाँ पे मैं मैन्युअली आपको गिनकर बताऊंगा, बाद में इसके बारे में आपको आसान एक ट्रिक बताऊंगा जिसके जरिए आप जल्द से जल्द कुछ ही लम्हों में आप आंसर मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस फिगर में कितने हैं मुस्ततील। ये एक मुस्ततील है और ये वाला दो मुस्ततील है और ये बाहर वाला एक तीन। तो यहां मुस्ततील की तादाद जो है वो तीन है। तो इस तरह की आसान शक्लें नहीं होंगी एग्जाम में, थोड़ा टफ होंगी। यहां पर मुस्ततील की तादाद कितनी है? एक, दो, तीन, चार, पांच, और बाहर एक अगर छह कहेंगे तो आपका जवाब यहां पे गलत होगा। तो ये पांच तो हो गए। अब यहां पे देखिएगा, ये दो मुस्ततील मिलकर और एक मुस्ततील बना रहे हैं, तो ये एक हो गया। अब ये दो और तीन मिलकर और एक मुस्ततील बना रहे हैं, ये दो हो गए। तीन और चार एक और मुस्ततील बना रहे हैं, और चार और पांच एक और मुस्ततील बना रहे हैं। एक, दो, तीन और हमारे चार, एक, दो, तीन, चार, ये टोटल हमारे चार नए मुस्ततील बन गए। अब यहाँ पे देखिए, अब जरा और गौर करें। यहाँ पे एक से तीन तक हमारे और एक मुस्ततील बन रहा है, ठीक है, एक दो तीन मिलाकर। अब यहाँ पे एक हो गया, दो तीन चार मिलकर और एक मुस्ततील बना रहे, ये दो हो गए। अब तीन चार पांच ये मिलकर और एक मुस्ततील बना रहे हैं, तो मतलब यहाँ पे तीन मुस्ततील और हो गए। अब यहाँ पे देखिएगा, अब गौर करेंगे तो एक दो तीन चार ये मिलकर और एक यहाँ पे मुस्ततील बना रहे हैं, और दो तीन चार पांच ये मिलकर और एक हमारा मुस्ततील बना रहे, यानी इसकी तादाद दो होगी, और बाहर का जो बड़ा मुस्ततील है वो एक। कुल जो मुस्ततील की यानी रेक्टेंगल्स की तादाद जो है वो छः, एक सात, सात और सात 14, 15, 16। यहाँ पे कुल रेक्टेंगल की जो तादाद है, सॉरी, 15 होती है। कितनी होगी? 15। ये हमने जायद लिया क्योंकि ये पांच और एक यहाँ पे छः ले चुके थे, यानी यहाँ पे टोटल 15 है। तो ऐसी शक्लों को हम गिनते अगर चाहे बैठ जाएं कि इसमें मुस्ततील कितने हैं, तो हमें वक्त ज्यादा लगेगा। अब इस शक्ल को मैं ऊपर ले चुका हूँ। यहाँ पे देखिएगा, इस शक्ल को हम अब एक ट्रिक के साथ कैसे इसकी तादाद को मालूम कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अंदरूनी जो मुस्ततील हैं ये कितने हैं काउंट करेंगे। एक, दो, तीन, चार, पांच। यहाँ पे कुल जो मुस्ततील की तादाद है वो पांच है। मुस्ततील की तादाद को हम काउंट करेंगे, जिस तरह मैंने बताया कि आखिरी जो अदद है उसका अगला अदद लेंगे, 5 ÷ 6 / 2, तो कितना होगा, 5 × 6 = 30 और ÷ 2 यानी 15। यहाँ पे हमारा जवाब आ गया 15। हमने जिस तरह गिनकर जवाब लिया था 15, ये ट्रिक के जरिए भी हम जवाब भी हमारा क्या है, सेम आ गया। तो यहाँ पे देखिएगा, इसमें जवाब 3 आया था। अब हम इस ट्रिक के जरिए करेंगे तो एक और दो को जमा करेंगे तो वो भी क्या होगा, 3। अगर इस तरीके की शक्ल हो तो हम मुस्ततील की तादाद को काउंट करके लिखेंगे, अगर वो एक रो में हो। अगर चार रो अलग है और कॉलम अलग है तब अलग ट्रिक होगी, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे एक रो है तो उसको काउंट करना है, तो हम इस ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर देखिए,
ये कुछ शक्ल इस तरह है। तो अब हम कैसे काउंट करेंगे यहाँ पे मुस्तदिल की तादाद? बड़ा सिंपल है, आप लिख दें 1 2 3 4 5 6, ये रो में 6 में से 6 मुस्तदिल हैं, और इस रो में 2 3 4 5, यहाँ पर 5 है। अब क्या करेंगे हम, में जो मुस्तदिल हैं इसकी तादाद को काउंट करेंगे, तो आखिरी डिजिट क्या होगा हमारा? 6 है, और अगला अदद कौन सा? 7 डिवाइडेड बाय 2, यानी 6 7 42 डिवाइडेड बाय 2, 2 2 4 2 1, यानी यहाँ पे टोटल मुस्ततील की तादाद 21 है। अब यहाँ पे इसको भी काउंट करें, एक हम ऐसा भी काउंट कर सकते हैं, 1 जमा 2 जमा 3 जमा 4 जमा 5, तो इसको अगर जो काउंट करेंगे तो 3 3 6 6 10, ये 15 हो गया। तो हम इस ट्रिक से भी करेंगे, जैसा आखिरी अदद 5 है, अगला अदद 6 डिवाइडेड बाय 2, यानी 30 डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पे भी क्या होगा? 15 ही जवाब आएगा। अब क्या करेंगे हम, ये 21 इसको नाम देंगे ए, इसको नाम देंगे बी। तो ए के टोटल जो हमारे मुस्ततील हैं वो 21 हैं, और बी के टोटल जो हमारे मुस्ततील हैं इसका इस सीरीज को काउंट किया तो इसके टोटल हैं 15। तो हम इसको काउंट करेंगे, 5 और 1 6 हो गया, और अगर जब हम 36 लिखेंगे तब भी हमारा जवाब गलत होगा, क्योंकि अब अगर आप इस मुस्ततील पर गौर करेंगे तो ये 2 बार काउंट हुआ, यानी इस रो में भी हमने 1 को काउंट किया और इस रो में भी 1 को काउंट किया, यानी मतलब इसको 2 बार काउंट किया गया है। तो इसको क्या करेंगे, ऐसी शक्ल है तो इसमें कितने कोने बनते हैं, यानी कॉर्नर्स कितने हैं वो देखें। यहाँ पे एक कोना बन रहा है, एक कॉर्नर है, तो हम 1 माइनस करेंगे यहाँ पे, तो कितना हुआ? 35। तो इस शक्ल में टोटल मुस्ततील 35 हैं, रेक्टेंगल्स कितने हैं? 35 हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये मुस्ततील की शक्ल, मुस्ततील वाली शक्ल कुछ इस तरह की है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, वही ट्रिक अपनाएंगे, 1 2 3 4 5, इसमें इस रो में 5 मुस्ततील हैं, 2 3 4 5, यहाँ पे भी 5 हैं, और यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे 4 हैं, तो इसको काउंट करेंगे। ये समझो ए वाला है, और ये हमारा बी है, और ये हमारा सी है, तो इसका काउंट करें, तो 5 अगला 6 डिवाइडेड बाय 2, यानी 30 डिवाइडेड बाय 2, यानी 15, तो यहाँ पे भी 5 है, तो यहाँ पे भी बी का कितना होगा? 15 होगा। सी का क्या होगा? 4 आखिरी अदद है, इसका अगला अदद 5 डिवाइडेड बाय 2, 20 डिवाइडेड बाय 2, यानी 10। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, ए के 15, बी रो के हो गए 15, और सी रो के टोटल हैं 10। अब टोटल क्या हो गया? 40, और हमारे जो कॉर्नर्स कितने हैं, यहाँ पे एक है और यहाँ पे एक है, तो इस कॉर्नर को माइनस करेंगे हम, 2 माइनस हो गया, यानी 38। या इस शक्ल में मुस्ततील की तादाद जो है, रेक्टेंगल्स कितने हैं? 38 है, ठीक है। अब ज़रा इस शक्ल पर गौर करें, यहाँ पे मुस्ततील की तादाद कितनी है, ये शक्ल थोड़ी अलग है, यहाँ पे रोज भी हैं कॉलम्स भी हैं, तो इसको मैं दूसरी ट्रिक बताने वाला हूँ। इस ट्रिक के ज़रिए आप आसानी के साथ में मुस्ततील कितने हैं मालूम कर सकते हैं। पहले हम मैन्युअली करेंगे, यहाँ पे गिन कर देखेंगे, देखिए कितना वक्त लगता है हमें, तो यहाँ पे गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे टोटल 9 मुस्ततील हुए, ठीक है। और यहाँ पे अगर जब हम गौर करेंगे तो ये 1 और 2, यानी 1 और 2 मिलकर 1 बन रहा है, ठीक है। फिर इसी तरह से 2 और 3 मिलकर,
यानी दो और तीन मिलकर और एक बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे चार और पांच मिलकर एक बन रहा है, चार और पांच मिलकर एक बन रहा है, और पांच और ये छः मिलकर, ये पांच और छः मिलकर एक बन रहा है, यानी पांच और छः मिलकर और एक मुस्ततील बन रहा है। इसी तरह सात और आठ, यानी ये दो, सात और आठ मिलकर एक मुस्ततील बन रहा है, और आठ और नौ मिलकर, आठ और नौ मुस्ततील मिलकर एक, ठीक है, ये भी हो गया। अब यहाँ पे देखिए, एक दो तीन, एक दो और तीन मिलकर एक मुस्ततील बन रहा है। इसी तरह चार पाँच और छः मिलकर एक मुस्ततील बन रहा है, और सात आठ नौ मिलकर एक मुस्ततील बन रहा है, ठीक है। अब हम इसे कॉलम्स में लेंगे, तो एक और चार मिलकर एक मुस्ततील बन रहा है। यहाँ पे देखिए, एक और ये चार, ठीक है, और चार और सात मिलकर और एक मुस्ततील बन रहा है, ठीक है, चार और सात मिलकर। इसी तरह दो और पांच मिलकर और एक मुस्ततील बन रहा है, और पांच और आठ मिलकर एक मुस्ततील बन रहा है, ठीक है। तीन और नौ, तीन और छः मिलकर एक मुस्ततील बन रहा है, और छः और नौ मिलकर और एक मुस्ततील बन रहा है। अब एक चार सात मिलकर एक मुस्ततील बन रहा है, दो पाँच आठ, दो पाँच आठ मिलकर एक मुस्ततील बन रहा है, तीन छः नौ मिलकर और एक मुस्ततील बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे और गौर करेंगे हम, तो एक यहाँ पे देखिए, अब एक दो पाँच चार आठ, ये मिलकर क्या है, और एक मुस्ततील बन रहा है। यानी यहाँ पे गिनते बैठ जाएं तो आपका वक्त यहाँ पे बहुत जाने वाला है। अब देखिए, यहाँ पे मुस्ततील की तादाद ट्रिक से मालूम करते हैं। पहले यहाँ पे कॉलम कितने हैं, देखिए, वन टू थ्री, और यहाँ पे रोज कितने हैं, दो तीन। अब क्या करेंगे, पहले कॉलम्स को जमा कर लेंगे, एक जमा दो जमा तीन कितना हो गया, छः। अब रोज को भी जमा करेंगे, एक जमा दो जमा तीन, यानी ये कितना हो गया, छः। अब क्या करेंगे, रोज और कॉलम को हम ज़रब करेंगे, यानी ये छः को ये छः से ज़रब देंगे, तो यहाँ पे छः ज़रब छः कितना हो गया, छः छः 36, ये इसके अंदर के टोटल मुस्ततील की तैदाद होगी। तो देखिए, हमने चंद ही लम्हों में इस ट्रिक के से मुस्ततील की तैदाद मालूम कर ली, ठीक है। और एक दूसरी शक्ल लेते हैं, अब यहाँ पे एक मुस्ततील है, यहाँ पे रोज देखें, उसी ट्रिक से हम यहाँ पे मुस्ततील की तैदाद मालूम करते हैं। पहले कॉलम देखें, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, और यहाँ पे रोज हैं, टू थ्री फोर फाइव, तो यहाँ पे जो सुतून की तैदाद है उसे काउंट करते हैं, यानी कॉलम्स को टोटल नंबर काउंट करते हैं। तो मालूम है, जिस तरह आखिरी अदद है छः, अगला अदद सात होगा, डिवाइडेड बाय टू करेंगे तो छः सात 42 डिवाइडेड बाई टू, दो एक ही दो, दो दो एक चार, दो एक, यानी यहाँ टोटल जो नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स हैं वो 21 है इस रो में, ठीक है। अब इस रो में देखिए, इस रोज में देखिए, अब यहाँ पे टोटल जो है फाइव है, अगला अदद सिक्स डिवाइडेड बाई टू, यानी पाँच छः 30 डिवाइडेड बाई टू, अब क्या होगा, 15, यहाँ पे 15। अब क्या करेंगे, इस रोज़ को इस कॉलम से ज़रब करेंगे, यानी 21 को ज़रब 15 करेंगे, तो कितना आएगा जवाब, 15 एक 15 का 5 हासिल का 1, 15 दो 30 और 1 31, यानी इस शक्ल में टोटल 315 रेक्टेंगल्स हैं,
टोटल मुस्ततील 315। मैंने मुस्ततील की भी ट्रिक्स बताई और मुरब्बा की भी बताई। अब यहाँ पे दोनों को मिक्सअप नहीं करना है, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर चाह यहाँ पे मुस्ततील की तादाद क्या है, तो यहाँ पे मुस्ततील की तादाद क्या है, तो प्लस का साइन हो रहा है, इसका मतलब फाइव। ये जो है मैंने बताया था स्क्वायर में, यानी अगर चाह मुरब्बा है, मुरब्बा में जमा की निशानी बन रही है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्क्वायर 5 होंगे। मुस्ततील में अगर जब प्लस का साइन, प्लस साइन बन रहा है, तो यहाँ पे ये 5 नहीं होगा बल्कि अलग होगा। यहाँ पे क्या देखिए, तो अगर जब हम मैनुअली इसे काउंट कर कर देखेंगे, तो यहाँ पे देखिए ये 1 हो गया, 1 2 3 4, ठीक है, ये 4 हो गए, यहाँ पे लिख दूंगा। अब यहाँ पे 1 और 2 मिलाएंगे, तो ये एक मिसलस मुस्ततील बनेगा, और 3 और 4 मिलाएंगे तो और एक मुस्ततील बनेगा, मतलब यहाँ पे ये 2 हो गए। अब यहाँ पे 1 और 3 जो मिलाएंगे तो और एक मुस्ततील होगा, ठीक है, और 2 और 4 ये दोनों मिलकर और एक मुस्ततील होगा, और बड़ा जो बाहर का एक मुस्ततील है वो एक बनेगा। तो यहाँ पे कुल मुस्ततील की तादाद क्या होगी, 4 2 6 7 8 9, टोटल 9 होगी। अब मुरब्बे में कितना होगा, मुरब्बे में 1 2 3 4 और बाहर का एक 5। तो ये दोनों को कंफ्यूज मत कर लीजिएगा, मुरब्बे का फॉर्मूला लेके।